अयोध्या में माता का एक प्राचीन मंदिर जिसकी स्थापना और प्राचीनता के बारे में अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिलता। न जाने कितने वर्षों से माता भक्तों को अपना आशीर्वाद दे रही हैं। अयोध्या के गुप्तार घाट पर स्थित सिद्ध पीठ मरी माता का मंदिर स्थित है। बताते हैं पहले इस स्थान पर माता के रूप में सिर्फ एक पिंडी थी जो हजारों वर्ष पुरानी थी। पिंडी कहाँ से आई, किसने और कब रखवाया, किसी को कुछ पता नहीं। महंत चंद्रशेखर त्रिपाठी बताते हैं करीब 150 साल पहले फैजाबाद गजेटियर में मरी माता का जिक्र आता है। पिंड की जगह भव्य मंदिर बनवाने की शुरुआत 2002 में शुरू हुई थी जो आज भी जारी है। माता का स्थान बहुत पहले से है। ब्रिटिश शासन काल में इसका सर्वे हुआ था, 1800 कुछ की बात है, उसमें भी इनका जिक्र है इस स्थान का। और मुझे जो आभास होता है कि माता जी हजारों साल से यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि उसमें भी नहीं लिखा है कि यहाँ इसकी स्थापना कब की हुई थी और किसने किया था। माँ की प्रेरणा से हम लोग जुड़े यहाँ से। माँ का पिंड बहुत पुराना है, आदिकाल से है। मूर्ति की स्थापना 2003 में हुई। माँ के दर्शन से माता जो भी सच्चे हृदय से आस्था और विश्वास के साथ माता जी का दर्शन करता है, माता जी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यही कारण है माँ के दरबार में लोगों का कांटा लगा रहता है। मान्यता है दूसरी जगह से जवाब पा चुके असाध्य रोगों के मरीज भी माता की कृपा से स्वस्थ हो चुके हैं। महंत ने बताया एक रात उन्हें स्वप्न आया, माता शीत धूप और बरसात सह रही है, वहां वह मंदिर क्यों नहीं बनवा देता। आंख खुली तो इसी पर मंथन करने लगे। प्रण किया जब तक मंदिर निर्माण नहीं होता वह दाढ़ी और बाल नहीं बनवाएंगे। मरी माता की ऐसी कृपा हुई कि उनके पास एक पैसा भी ना होते हुए इस काम के लिए सारा सामान कहाँ से आया और मंदिर कब बन गया इसका उन्हें पता भी नहीं चला। हमारे लिए एक्चुअली बहुत ही श्रद्धा का विषय है। हमारे इस पूरे फैजाबाद के लिए, अयोध्या के लिए, आज से नहीं पिछले 10-20 वर्षों से, जब से मैं समझता हूँ यहाँ पे, जब से मैं रह रहा हूँ, हर साल इवन इस महीने में जो हमारी नवरात्रि चलती है इसमें जो यहाँ पर इनके लिए जो लोगों का अपना जो सोच है एक बहुत ही श्रद्धामय सोच है। और हमारी कई सारी मनोकामनाएं, हमारी ही नहीं, हमारे कई लोगों की से, हमारे जानने वाले कई लोगों की कई बहुत सारी मनोकामनाएं माता के द्वारा पूर्ण हुई हैं, इसलिए हमारी श्रद्धा इसलिए इसमें और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक नहीं, कई लोग, कई हमारे मित्र, कई हमारे जानने वाले लोग जो ये सारी बातें जब बताते हैं हमको तो हमें बड़ा सुखद अनुभव होता है कि ऐसा दिव्य मंदिर हमारे अयोध्या में, हमारे क्षेत्र में ये स्थित है। मैं पिछले कई वर्षों से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे माता की बड़ी अद्भुत कृपा है, बड़ी अच्छी मनोकंपा है, और जितना बखान किया जाए उतना कम है माता का। माता की कृपा भक्तों पे सदैव बनी रहती है। यहाँ का कार्यक्रम नवरात्र में तो तारीफ जितनी की जाए कम है, अन्य दिनों में भी आप आएंगे तो माता के यहाँ का अद्भुत नज़ारा है। नवरात्र में 9 दिन शाम की आरती, अखंड आरती, महाआरती देखिए, नवरात्र के बाद जो भंडारा होता है, डांडिया का कार्यक्रम होता है, या चैत्र नवरात्र के जितने भी कार्यक्रम है, अद्भुत है। माता रानी के यहाँ बहुत अद्भुत कृपा है। जय सनातन धर्म। माता जी।